नेशनल हाईवे 44 फिल्टर प्लांट के पास नाकाबंदी कर एक ट्रक में 22 नग गोवंश बेल क्रूरता पूर्वक भरकर परिवहन करते हुए ट्रक को जब्त किया गया है, जिसमें चार आरोपी सहित एक देसी पिस्टल एक जिंदा कारतूस आरोपियों के पास से बरामद किया है। शिवनी जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक GD शर्मा, SDO पुरुषोत्तम मरावी के मार्गदर्शन में बंडोल थाना प्रभारी राजेश कुमार दुबे द्वारा थाना क्षेत्र में तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। खबर की सूचना पर 1 अक्टूबर 2023 को नेशनल हाईवे 44 फिल्टर प्लांट के पास नाकाबंदी कर ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें चार आरोपी सहित एक देसी पिस्टल एक जिंदा कारतूस आरोपियों के पास से बरामद किया गया। आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम अन्य धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला विवेचना में लिया गया। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। जिला शिवनी थाना बंडोल, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह साहब के कुशल मार्गदर्शन में, एडिशनल साहब SDOP साहब के निर्देशन में बंडोल थाना पुलिस द्वारा आज प्रातः 1 अक्टूबर को गोवंश से भरा ट्रक जो जबलपुर तरफ से आ रहा था और नागपुर तरफ जा रहा था, उसको NH 44 पर विधि संगत तरीके से रोका गया, जिसमें अवैध 42 नग गोवंश भरे थे। उसके अंदर चार आरोपी सब्बीर, शाहरुख, उस्मान और कल्ला थे, जो तलाशी के दौरान आरोपी शाहरुख के पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। चारों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी शाहरुख के बारे में भोपाल पुलिस से भी मेरे द्वारा संपर्क किया गया, जिसका वहां पे आपराधिक रिकॉर्ड है, और आरोपी कल्ला जो कि मोहखेड़ थाना छिंदवाड़ा में उसका स्थायी गिरफ्तारी वारंट है, तो विधिवत कार्यवाही उपरांत न्यायालय पेश इन लोगों को किया गया है, जहां से उनको जेल दाखिल किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।